मतलब जीतने का ऐसा पक्का चांस है, बस कुछ गलत ना हो जाए। चल रहा है मैच, चल रहा है। ये देखो अपना हैवान प्लेयर आज कैप्टन खेल रहा है भाई। तुम लोग को बोला था ना बहुत खतरनाक बैटिंग करता है ये, क्या ही मार रहा है भाई लंबा लंबा। ये देखो ये एक, ये देखो सिक्स। हे गाइस हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मेरा 75 हार्ड चैलेंज का 50वां दिन भाई। 3-25 में से आज 2-25 कंप्लीट हो गया है। कितनी बड़ी बात है समझ रहे हो। अब खाली 1-25 और बचा है, हमारा ये सफ़र कंप्लीट हो जाएगा। एंड आज का शेड्यूल थोड़ा अलग है, तो आज हम सुबह जा रहे हैं मैच के लिए, क्योंकि हमने लगा लिया है अपने पड़ोसी एरिया वालों से मैच। 500 रुपये की मैच लग गई भाई। नॉट बिग डील बट लग गई है मैच, तो इसलिए आज का शेड्यूल कैसा है। तो आज हमने मैच लगा लिया है, इसलिए हमारा फर्स्ट वर्कआउट आज वही होगा, खेलना खेलना खेलना, और थोड़ा सा कुछ कर लेंगे स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा एब्स का वर्कआउट कर लेंगे, तो पहला वर्कआउट हो जाएगा। एंड सेकंड वर्कआउट के लिए रात को आज जिम जाएंगे हम लोग। तो शेड्यूल मैंने बना लिया था कि आज रात को जिम जाएंगे, तो यही होगा आज का हमारा शेड्यूल। तो ये 1 लीटर मैंने ले लिया पानी, इसे पीते हैं, निकलते हैं ग्राउंड में, मैच है और मैच खेल के देखते हैं। बहुत टाइम तो लगने वाला आज मैच, 3-3 मैच है भाई, तो देखते हैं कैसा रहेगा सब कुछ, पूरा एक्सपीरियंस करेंगे। लेट्स गो। पानी, पानी। न्यू बॉल ले चुके हैं रे दो का हमारे कैप्टन। सलाम भाई, सलाम। तो चल रहे हैं ग्राउंड में, आज ये थर्ड ग्राउंड में मैच है, क्योंकि भाई मेन ग्राउंड हमारा यही है, सबसे बड़ा ग्राउंड है ना, यहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम आ सकता है आपको पता है। बट वो लीगल जो रहेंगी प्रीमाइसिस, वो भाई गवर्नमेंट करना पड़ेगा जो भी रहे। तो चलो सनराइज भाई, क्या लुक है देखो, सारे पिजन्स यहाँ पे हैं। तो चलो मैच शुरू करते हैं, पिच लेते हैं एंड मैच शुरू करते हैं। आ रही है पड़ोसी की टीम, भगवान करे जीत जाए भाई। चलो लेट्स गो। फाइनली अपना कैप्टन पहला टॉस जीत चुका है। कैप्टन आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, बैटिंग ले रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ ऐसा कुछ खास चीज़ जो आपके दिमाग में चल रहा है? तो गाइस आ जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, और स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो उसके बाद खेलना शुरू करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, यहीं पे बॉलिंग शॉलिंग डालेंगे। तो शोल्डर तो गया हुआ है, देखते हैं कैसे मैच होगा। तो आ जाओ पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। A few moments later. हमारा मैच शुरू हो चुका है। पहले बैटिंग के लिए किशन और रोहित जा चुके हैं। एंड ये देखो मेरे वॉइस कैप्टन अभी सो के आ रहे हैं। इनका तो मॉर्निंग कभी भी होता है भाई, इनका नाइट ही रहता है सुबह 6 बजे तक, फिर इनका मॉर्निंग होता है दोपहर को 1 बजे। चलो चलते हैं, तैयार रहो। फर्स्ट मैच इज स्टिल ऑन, फर्स्ट मैच हार चुके हैं। कितने रन से आ रहे? कितने रन से नहीं, सॉरी विकेट से, से हाँ थोड़ा मिस फील्ड के कारण हार गए। एंड सेकेंड मैच इज ऑन, सेकेंड इनिंग चल रहा है। टारगेट कितना है? 50 समथिंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज अगर ये मैच हारे, सीरीज हार गए, प्राइज हार गए, चल देंगे घर पे। अगर ये मैच जीते देन वी विल ट्राई फॉर द थर्ड मैच, सो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। सो गाइस मात्र 16 रन चाहिए, वो भी 3 से ज़्यादा ओवर बचा हुआ है, मतलब जीतने का इधर पक्का चांस है, बस कुछ गलत ना हो जाए। चल रहा है मैच, चल रहा है। ये देखो अपना हैवान प्लेयर आज कैप्टन खेल रहा है भाई। तुम लोग को बोला था ना बहुत खतरनाक बैटिंग करता है ये, क्या ही मार रहा है भाई लंबा लंबा। ये देखो ये एक, ये देखो सिक्स। ओ भाई, ओ जतिन जतिन। सो गाइस मैच हार के आ चुके हम लोग, दो हारे एक जीते, सीरीज हार गए, प्राइज हार गए, कोई नहीं गाइस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम लोग कभी प्रैक्टिस नहीं करते, कभी कुछ खेलते नहीं, रखना अचानक से मैच लगा लिए तो हार गए, इट्स ओके, बट नेक्स्ट टाइम वी वोंट लेट दिस हैपन एंड वी विल परफॉर्म बेटर। तो इसी के साथ मैंने थोड़ा वो एप्स का वर्कआउट पुशअप सब मार लिया है, वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि एक बच्चे को सब मन रखने के लिए दे दिया था खेलने के लिए, वाला खेल ले तो फोन में गेम खेल रहा था। तो इसी के साथ डे 50 फर्स्ट वर्कआउट एंड सेल्फी, दो टास्क हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ बस घर पहुँच रहे हैं, नहाएंगे, फ्रेश होंगे, आगे के टास्क कंटिन्यू करेंगे, तो कीप वॉचिंग। सो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं, एंड आके हमने ले लिया है ये 1 लीटर पानी। भाई मानना पड़ेगा
स्ट्रेंथ सबसे बड़ी चीज नहीं होती है भाई, सॉरी स्ट्रेंथ हर चीज नहीं होती, एनर्जी हर चीज होती है भाई। तीन मैच खेलने के बाद बैक टू बैक 6-6 ओवर के, मतलब 20 ओवर्स खेलने के बाद फीलिंग फुल एग्जॉस्टेड, फिर भी मैं बोला कि सेटिस्फेक्शन के थोड़ा एब्स और पुशअप मार लेते, बना कुछ लोग बोलेंगे कि भाई वर्कआउट नहीं हुआ, तो इसलिए वर्कआउट सारा चीज़ हो गया डन, घर पे आ गए हैं। कोई नहीं, हार गए 500 रुपये, 2-3 दिन बाद फिर लगा लेंगे, लेकिन अब हमेशा लगाते रहेंगे क्योंकि बड़ा मज़ा आया आज। तो चलो चलते हैं नीचे, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया, 11 बज गया, भाई को रिलीज़ करते हैं वहाँ से, वो भी थोड़ा फ्रेश हो जाए, लेट हो गया मेरे मैच खेलने के चक्कर में, तो चलो चलते हैं। एंड इसके बाद ना के फ्रेश होकर गीता पढ़ेंगे, तो आगे का टास्क कंटिन्यू करेंगे, लेट्स गो। सो गाइस बैठे हुए हैं शॉप पे बैठे बैठे ले रहे हैं अपना फर्स्ट मील से ब्रेकफास्ट, ओट्स बनाना जो कि हम लोग हमेशा खाते हैं, तो इसे खाते हैं, अपना काम करते हैं, नहा के फ्रेश होकर गीता के टाइम पे मिलते हैं, कीप वॉच। हे हाय गाइस व्हाट्सअप, सो नहा के एकदम हो चुके हैं फ्रेश एंड आ गया हूँ ऊपर गीता पढ़ने के लिए, सो वी आर ऑल सेट टू रीड गीता, तो हमने यहाँ पे गीता रख लिया है, चलिए अब गीता पढ़ते हैं एंड फटाफट टास्क कंप्लीट करते हैं क्योंकि थोड़ा लेट है, और ऊपर से मैं आज पता नहीं इतना टायर्ड फील कर रहा हूँ ना, एज आई टोल्ड यू कि भाई सच में यार स्पोर्ट्स खेलना इट्स नॉट कप ऑफ टी, लाइक अगर आप 20 ओवर 50 ओवर लाइक खेल रहे हो तो बड़ी चीज़ है भाई, बहुत स्टेमिना और बहुत एनर्जी लगती है, और मैं एकदम एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद चाहिए भाई, बहुत नींद चाहिए, तो कोई नहीं अपने को काम करना है ब्रो, काम करना इंपॉर्टेंट है, आज 50वां दिन है तो 50वें दिन पे तो एनर्जेटिक रहना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है, तो चलो गीता पढ़ते हैं एंड कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, लेट्स गो। यो गाइज व्हाट्स अप, सो हो चुका है हमारा गीता डन एंड अब एक काम और कंप्लीट हो गया इसी के साथ, अब कुछ नहीं बचा है, एडिटिंग करेंगे अपना काम करेंगे एंड पहले जाता हूँ लंच कर लेता हूँ, क्योंकि आज नाश्ते में कुछ खाया नहीं ना ज़्यादा, ओट्स खाया था खाली एंड पता नहीं क्यों भूख लाइक इतनी ज़्यादा लगी है ना, क्योंकि भाई भागा भागा है ना एकदम से, कैलोरी बर्न हुआ है ना बहुत सारा, तो भूख इतनी लगी हुई है ना कि मन कर रहा है पहले कुछ खाओ, तो चलो चलते हैं सीधा नीचे डिनर लंच करते हैं भाई, डिनर इतना मुँह पे ना सेट रहता है कि ना वी ऑलवेज फील्स वेरी कंफर्टेबल टू स्पीक डिनर फॉर आवर मील, क्या कर सकते हैं आदत की बात है, तो चलो करते हैं लंच, देखते हैं लंच में क्या है, लेट्स गो। इट्स फाइनली टाइम ऑफ आवर लंच, तो लंच में हम लोग लेंगे दाल चावल रोटी और सैलेड ले लिए एंड इसके अंदर हम लोग थोड़ी घी डाल दिए, सब्जी आज नहीं लेंगे बिकॉज आज सब्जी मेरे मन की नहीं है तो मैं सब्जी नहीं खा रहा, तो यही हमारा लंच, चलो इस लंच को कम्प्लीट करते हैं एंड व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। रात 7:45 बजे I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna... Guys, day 50, second workout. Ends from here. और ये देखो आज बारिश हो रही है भाई, पता नहीं कैसे लाइक ये कैसा वेदर है, दिवाली आने वाली और बारिश हो रही है, हाउ मैन। चलो घर पे चलते हैं एंड आगे का टास्क कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस जिम से आ चुके हैं एंड इट्स फाइनली टाइम ऑफ आवर डिनर, तो डिनर में हम लोग ले रहे हैं रोटी और सब्जी और कुछ भी नहीं, तो चलिए डिनर को कम्प्लीट करते हैं एंड मिलते हैं व्लॉग के एंड में, तो तब तक के लिए जुड़े रहें, लास्ट मोमेंट है ब्रो, 50वां दिन कम्प्लीट होने वाला है, लेट्स गो। सो गाइस इसी के साथ डे 50 कंप्लीट हो गया, कितनी बड़ी बात है, यू नो फ्यू डेज बैक लाइक 25 डेज बैक आई टोल्ड यू कि देयर इज अ 325 डेज इन माय दिस जर्नी एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर 225, इट्स मीन देयर इज ओनली 125 इज लेफ्ट, लाइक उसके बाद द होल जर्नी विल बी कम्प्लीटेड, लाइक कितना बड़ा बात है यार, मतलब मजा आ रहा है ब्रो, बस ओनली 25 डेज टू गो एंड वी विल विन दिस चैलेंज एंड इट मीन्स अ लॉट कि एक मुंबई के छोकरे ने हर दिन व्लॉग बना के इस चैलेंज को विन किया है, सो बहुत प्राउड मोमेंट होगा मेरे लिए वो, तो बट अभी मैं इतना एक्साइट नहीं हो रहा हूँ क्योंकि इट्स नॉट ओवर एंटिल इट्स ओवर, तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा रहती है और धैर्य रखता हूँ मैं, ज़्यादा उत्साहित नहीं होता, तो इसी के साथ डे 50 को भाई नीचे बहुत चिल्ला रहे लोग, शिवानी थोड़ा शांत बैठ यार। सो इसी के साथ डे 50 को यहीं पे एंड करते हैं, आज का सारा टास्क दो वर्कआउट सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है
नाउ मिलते हैं डे 51 पे विद द सेम एनर्जी विद द सेम इंटेंसिटी एंड ब्लॉक को यहीं पे एंड करते हैं. तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू जय श्री राम.